श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आज अपने दो ऐसे विशेष मेहमानों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ कि आपको लगेगा कि इनको स्टूडियो में लाने में आपने इतनी देर क्यों कर दी। इससे पहले कि मैं इनका परिचय दूं, मुझे महात्मा बुद्ध को पूछे गए एक प्रश्न का याद हो आया। आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप कुछ दिन में जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमें कुछ ऐसे सूत्र बता जाओ जो आपके जाने के बाद भी हमारे लिए सहायक साबित हो। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि सदा जागृत रह के अपना जीवन जियो। ये जो अवेयरनेस है, ये जो जागना है, ये क्या है, इसके बारे में आज मेरे साथ श्री वीपी गोयल और मैडम प्रीति शर्मा, ये दोनों महानुभाव हैं जो ज्योतिष जगत में फैले हुए अंधकार से हमें रोशनी में लाएंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सच में बहुत अंधकार भी है और सभी लोग इससे जुड़े रहना भी चाहते हैं। दोनों विद्वान व्यक्तित्व ने ऐसा अध्ययन कर रखा है कि आपको लगेगा कि इनके लेक्चर्स को हम बार बार सुने ताकि आसपास का जितना अंधकार है, विशेष तौर पर ज्योतिष जगत का, वो अधिक से अधिक रोशन हो सके। गोयल साहब आपका, मैडम प्रीति आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप आज समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए हैं और मेरे विशेष अनुरोध पर आप दोनों यहाँ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। साथियों, मैंने दोनों महानुभावों से इस बात की गुजारिश की है कि ज्योतिष जगत में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन सबको एक एक करके दूर करने का प्रयास करें। मैंने आपसे बताया कि श्री वीपी गोयल जी ने लगभग 25-26 पुस्तकें लिख रखी हैं। मैडम प्रीति प्रैक्टिकली बहुत आराधना भक्ति करती हैं और ज्योतिष के बारे में अच्छा ज्ञान रखती हैं। तो साथियों, आइए आज इनके यहाँ होने से अपने को लाभान्वित करें और जानें कि क्या क्या। तो मैडम प्रीति, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से भक्तगण, बहुत से ऐसे लोग जो आपको हाथ दिखाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भाग्य में जो कुछ घट चुका है उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ भ्रांतियों में जीते हैं, तो कृपया आप बताएं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर कि कौन कौन सी भ्रांतियाँ लेके लोग आपके पास आते हैं और आप उनको क्या सुझाव देते हैं। जी नमस्कार, मेरा सबसे पहले रेडियो भूस और आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया और मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की भ्रांतियों को दूर करना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब, सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें आ रही हैं जो हर एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि हम यूट्यूब पर देखते हैं कि हमारे प्लैनेट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप इसकी रेमेडी कर लीजिए।
ये जो जनरल रेमेडीज लोग लिए चले जा रहे हैं, और मेरे पास ऑलमोस्ट डेली जो केसेस आते हैं वो इसी तरह भटके हुए लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने यूट्यूब से ये मैसेज देखा, हमने इस तरह से ये उपाय कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी अगर आपके पास राइट कंसल्टेंट नहीं है, बिना आप अपना एस्ट्रो चार्ट दिखाए कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो वो आपको कभी किसी तरह का फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। हाँ, छोटी छोटी कुछ जनरल रेमेडीज हैं, जिसने कहा कि आप मंदिर जाइए, आप पूजा करिए, वो समझ आती है, वो हमारे संस्कार हैं, वो हमें समझाया जाता है बचपन से कि आप इसको करिए। लेकिन अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं जो कि बताई जा रही है कि इससे वशीकरण हो जाते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। जब लोग गलत चीज कर लेते हैं उसके बाद वो खुद ही अपने प्लैनेट्स को भी खराब करते हैं, अपनी लाइफ को भी खराब करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इसको मानो नहीं जानो। yes. सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी रखिए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। ओके okay. हम अगर आज बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इस समय आनी है, ये दशा आने वाली है, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, अगर आपको पता ही नहीं आपके चार्ट के बारे में, हम अपनी बॉडी का स्कैन करवा के डिटेक्ट करते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज क्या हैं, और दैट इज ओनली फॉर वन ईयर। तो जो एस्ट्रो चार्ट है वो तो पूरे जीवन की कहानी, जीवन से मृत्यु तक का सफर बताती है कि आपको आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम हो सकती है okay. या क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ओके okay. तो उसको अगर हम जान लेंगे तो उसके बाद हम उसके ऊपर उसी तरह से रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, थ्रू पूजा पाठ कर्म करके अच्छे उनका हम फायदा उठा सकते हैं। ओके okay. गोयल साहब, जो मैडम प्रीति ने बात रखी है और जिस तरह से साधारणतः हम लोगों को देखते हैं और अक्सर प्रश्न करते हुए भी सुनते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो लोग जो इस विद्या में जानने को इच्छुक होते हैं वो फैटलिस्ट होते हैं, वो किस्मतवादी होते हैं, उनको ये लगता है कि हम चाहे कर्म अपने करें या ना करें लेकिन उसका अच्छा फल हमें मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो उसके जो भी उपाय सरल ढंग से बताए जा सकते हैं वो बताए जाएं ताकि हम उन कृत्यों को पाने के लिए, करने के लिए उन सरल उपायों की तरफ आगे बढ़े। आप क्या कहते हैं भैया? सबसे पहले तो बात यह है कि उपाय, अब उपाय किस चीज के लिए? यस। और कैसा उपाय? जी, एक आदमी मंदिर जाता है और रोज जाता है, सुबह शाम दर्शन करके आता है, और आके कहता है भैया भगवान की कृपा नहीं हो रही मेरे ऊपर, मैं तो इतना रेगुलर जा रहा हूं, हाँ, कृपा कहीं रुकी हुई है, कृपा नहीं हो रही। हाँ। तो कोई एक ज्ञानी आदमी था, उसने कहा यार देख, जिस दिन भगवान तेरे को देख के मुस्कुरा जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उस दिन भगवान की कृपा तेरे ऊपर आ जाएगी। ठीक। अब वो जाता रोज भगवान की शक्ल ही देखता था, कि कब मुस्कुराएंगे ये। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर उस पे गया तो कहा क्या भगवान तुझे प्रसन्न दिखाई दिए? अब तू एक काम कर, प्रसन्नता से जा, खुद प्रसन्नता पहले पैदा कर ले। ठीक। और फिर जा। ठीक है। वो गया तो भगवान उसको हंसते हुए दिखाई दिए, हो गया सॉल्यूशन उसका। राइट। तो ये जो रेमेडीज है या धारणाएं हैं, यस, ये हमारे मन के अंदर हैं। बिल्कुल ठीक है। हम भगवान को कैसे देखते हैं? राइट। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, हमारी भौतिक धारणाएं बहुत ज्यादा होती हैं। धन मिल जाए, मेरे को नौकरी अच्छी मिल जाए, शादी अच्छी मिल जाए। राइट। तो भौतिक धारणाएं बहुत सारी होती हैं।
अब उन भौतिक धारणाओं को आजकल जो बताते हैं भौतिक उपाय बताते हैं, यहां तक बताते हैं कि भैया तू पूजा पाठ करा ले, 51,000-1,00,000 रुपए खर्च होगा, ठीक है, 8 पंडित तेरे पूजा कर देंगे, ठीक, भैया अगर पंडितों के पूजा करने से तेरा कल्याण होता तो तू किस लिए बैठा है, ठीक है, वो तेरे लिए क्यों कर रहा है वो, ठीक है, 11,000 रुपए दक्षिणा लेके एक हफ्ते की वो अपना नहीं कर लेता पूजा, हाँ, अपना भाग्य सुधार लेता, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो मिस्टेक हम ये करते हैं और इस चीज पे हम विश्वास करते हैं, ठीक है। दूसरी करते हैं, ये अंगूठी पहन ले, ये नग धारण कर ले, इसको साले को गंगा जल में धोके 3 दफे शनिवार को उल्टा लटक करके उसकी पूजा कर, फिर एक टांग पे खड़े होके पूजा कर, उसके बाद तू ये नग पहन ले, ठीक है। और जितना ज्यादा महंगा नग होगा उतनी तेरी बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर तेरे को ये पन्ना 400 रुपए वाला नहीं पहनना है, 4 लाख वाला पहनना है, ठीक बात। अब वो सुनार तेरे को क्या दे रहा है बेटे, तेरे को तो नहीं पता वो 4 लाख का है या 4,000 का है या 400 का है, वो ले लिया। अगर 4 लाख का जेन्युइन ही मिल जाए किसी को तो गरीब आदमी तो ठीक हो ही नहीं सकता बीमारी से, ठीक। और जो धनवान है वो बीमार हो ही नहीं सकता, साली बोलती रहे कुंडली कुछ भी और उसको कुछ भी बोलता रहे, वो तो ले आएगा ना पन्ना खरीद के, ठीक है, कि मेरी हार्ट की बीमारी है, मेरी ये बीमारी है, पन्ना पहन लिया मैंने तो। तो ये सब जो उपाय और ये चीजें हैं, मैं पहले भी कहा था मुझे गलत डिबेट में बुला लिया क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जब मंदिर जा रहा हूं या मैं दिल से सोच रहा हूं भगवान प्रसन्न है या नहीं है, वो आपके मन की स्थिति है, राइट। और ज्योतिष अगर आप मानते ही हैं, हाँ, तो दुनिया का नियम है कि हर रात के बाद दिन होगा, यस, हर कष्ट के बाद अच्छा टाइम भी आएगा और हर अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम भी आएगा, ठीक है। तो क्या फायदा उठाना है, हाँ, धैर्य से कि भाई ये बुरा टाइम मेरा इतने दिन का है, ठीक, ये ज्योतिष है, ओके ओके, कि इतने दिन मैं धैर्य रख लूं, भगवान की को याद रखूं, धैर्य रखूं कि भाई ये मेरा ठीक हो जाएगा, ओके। मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अक्टूबर से मेरी पीठ में मैं पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स में चला गया, खड़ा नहीं हो पा रहा, चीख निकलती थी पैर रखती, चल नहीं पा रहा था, ठीक है। थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है, देखी इधर उधर कि भैया ये जो है आपके मार्च के बाद ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ओके, और 30 अप्रैल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ओके। धैर्य रखा 5 महीने, कोशिश करी, ये नहीं कि भैया आप छोड़ दोगे उसको इलाज करना, होम्योपैथी भी करी, आपको साधना भी करी, ठीक, चक्र हीलिंग भी करी, ठीक, फर्क पड़ा है, अब बहुत कम हो गया, अब क्या उपाय कर लेता, ठीक है, धैर्य रखा, बहुत दफे धैर्य रखा, ठीक। तो अपना तो भाई यही ओपिनियन है, ओके, कि मन को अपने आप को, परंतु इतना धैर्य किसी में आता नहीं है, जल्दी से डगमगा जाते हैं, ठीक, और फिर पौंगा पंडित और लूटने वाले ज्योतिषियों के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। रोज एग्जाम्पल देखोगे आप, ओके। तो गोयल साहब, आपके व्यू पॉइंट से हमारी दृष्टि के हिसाब से ही सृष्टि नजर आती है, बिल्कुल, और हमारे जो अपने कर्म हैं उनके हिसाब से ही वही भोगने पड़ते हैं, वही भोगने पड़ते हैं। तो हमारे जो नक्षत्र हैं उनका क्या हमारे जीवन पर कोई असर
रहता है या नहीं रहता? देखिए, जो ये सृष्टि बनी है जी, आप सूर्य चंद्रमा को ही ले लो, भगवान ने बड़ी सेट साइकिल कर रखी है। चंद्रमा 29.5 दिन में पूरे एक सर्कल 12 राशियों का कवर करता है, ठीक है। उस एक सर्कल में स्त्री को भगवान ने गर्भ धारण करने के लिए तैयार करता है। ओके, एक साइकिल है महीने की। उसके बाद एक जीरो लगा दो तो 10 हो गए, 10 चंद्रमास हो गए। उसके बाद संतान पैदा होती है, राइट। कितनी अच्छी साइकिल है ये। इसमें एक जीरो और लगा दो, 100 साइकिल हो, 100 महीने की साइकिल हो गई। कितना सिस्टम बनाया हुआ है, 16 संस्कार हमारे शुरू हो जाते हैं। उस समय यज्ञोपवीत होता है, 100 के बाद हम बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके लिए तैयार करते हैं। 1000 साइकिल कर दो, षष्ठी पूर्ति, वो 60 साल की उम्र पे आता है, 60 साल के आसपास। तो ये साइकिल बिल्कुल सेट है और हमारे ऋषियों ने सबने उसको जांचा है, परखा है। तो ये साइकिल है, उसी तरह सब ग्रहों की साइकिल है, ठीक। और उस हिसाब से अब जो हमारा हॉरोस्कोप बनता है वो आपको जन्म की स्थिति होती है उन ग्रहों की, ओके, वो फिक्स है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते सिवाय भगवान के आशीर्वाद के, ठीक है। तो आप कैसे चेंज कर लोगे भाई? तो बोल सब इसी पे डिपेंडेंट है सारा, ठीक। तो ये जो आजकल क्योंकि सिजेरियन के माध्यम से डिलीवरीज होती हैं और लोग अपने बच्चे का समय तय करते हैं, कर ही नहीं सकते, नहीं लेकिन करते हैं ना प्रैक्टिकली, तो करते, वो उस समय होता ही नहीं है। मैं तो 5 केस तो मुझे याद है, 5 में से एक का सही हुआ है, ओके, एक का सही हुआ, अगर बता भी दिया रिश्ते में, अच्छा, हो ही नहीं पाता, जो भगवान ने लिखा वही आएगा भाई सामने। ओके, मैडम प्रीति, क्योंकि आप ज्योतिष के साथ साथ आराधना साधना में भी विश्वास रखती हैं जी। सच बात है, आप दोनों को एक साथ इकट्ठा बुलाने का मकसद ये था कि दो विद्वान लोग आपस में बात करें जी। मेरा रोल सिर्फ आपको यहाँ स्टूडियो में इकट्ठा बिठाने का है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप गोयल साहब से जो भी और जानना चाहें, क्योंकि आप जहाँ ज्योतिष का अध्ययन करती हैं वहाँ साथ साथ उपाय भी बताती हैं जी। तो आप गोयल साहब से जाने, ताकि बीच में हम भी फिर कुछ जानने को होगा तो बात करेंगे जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि गोयल साहब ने कहा कि कर्म करिए, धैर्य रखिए जी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आदमी को बीमारी आ गई है तो उसको इलाज चाहिए जी। उसको कैंसर हो गया है, स्टेज कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है, ठीक। और अगर उसने इलाज नहीं किया, वो धैर्य रख के बैठ जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम लेबोरेटरी में जो टेस्ट करवाते हैं एक साल के लिए कि हमें पता है यूरिक एसिड बढ़ गया है, पैर हमारे स्वेलिंग हो गई है, अगर मेडिसिन नहीं खाएंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, अल्टीमेटली द पर्सन विल बी ऑन द बेड, राइट। अगर आप किसी भी चीज की रेमेडी करते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर हमारी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये बताती है ना कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो अगर उस बीमारी का इलाज हम नहीं कर रहे, हम उपाय नहीं कर रहे, संजीवनी मंत्र कहाँ से आया? हमने शिव महापुराण में पढ़ा कि संजीवनी मंत्र के इतने जाप आप करिए, संकल्प लेके करिए, और मैं इस बात को 100% नहीं 500% श्योर हूँ कि मैंने कोरोना की लोगों की जो जान बची है, जो मेरे थ्रू जो इतने एग्जाम्पल्स हैं, 5000 फैमिली इज नॉट ए स्मॉल क्वांटिटी, हमने उन लोगों का संकल्प लेके इंडिया में नहीं विदेश में भी लोगों को हमने रिजल्ट दिए, वो सर्वाइव किए, आज वो लोग मेरे को बहुत मानते हैं, वो मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाले प्रभु हैं, लेकिन वो एक उपाय, एक यज्ञ, एक जो संजीवनी मंत्र है उसका ही करिश्मा है,
और मेरे करने के भाव हैं या जो मेरे साथ लोग बैठते हैं वो भी एक साधक है, करते हैं। हम लोग रात को 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे हम बैठते हैं। आप एक दिन मेरे साथ आके बैठिए तो सही। मेरे से कुछ लोग बोलते हैं हम साधना सीखना चाहते हैं, मैं कहती हूँ आप 3 बजे बैठो, मैं आपको टाइम बोल दी हूँ। मैं ये नहीं कहती आप 5 घंटे बैठो, आप बैठने की प्रैक्टिस करिए। आप 25 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, मेरी कैपेसिटी है मैं 6 घंटे बैठ सकती हूँ, 8 घंटे बैठ सकती हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती। और जो भी मैंने पाया है साधना से पाया है और मेरे पास रिजल्ट आते हैं, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। यही धैर्य है, यही साधना है, यही मंत्र सिद्धि है जो काम करती है जी। उसको मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि ये साधना करने से, मंत्र सिद्धि करने से आपका धैर्य और विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। उससे ही आपके अंदर शक्ति आती है। मेरा जो कहने का था कि भैया जो रतन पहन लो वो उपाय नहीं है। सर, रतन के ऊपर भी मैं बताना चाहूंगी, बॉडीज विद द 5 एलिमेंट्स। राजा महाराजा भी मणियां पहनते थे, राजा महाराजा भी मणि रखते थे। अगर आप मणि की कभी डिटेल में जाएंगे, मैं खुद मणि बनाती हूँ, मंगवाती हूँ, सिद्ध करती हूँ, देती हूँ, वो मणि वो नहीं है जो मणि मेश में है, वो नहीं है। हर चीज का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर आपने सोने की चेन भी पहनी ना सर, इफेक्ट उसका भी आएगा। आप सूती कपड़ा पहनोगे, इफेक्ट उसका भी आएगा। आप विंटर में क्या पतले कपड़े पहन के बाहर जा सकते हैं? एक सेकेंड मुझे इसका फिजिकल और भौतिक चीजों को और स्पिरिचुअल चीजों को जी हम थोड़ा अलग रखें जी। लेकिन सर, जो बीमारी की या सर्दियों में कपड़ा नहीं पहन सकते, ये भौतिक चीजें सबको चाहिए। ये भौतिक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती थे जी, न्यूयॉर्क में कड़ाके की सर्दी में जी बगैर कोई कपड़ा पहने बैठे हुए थे। अब वो कैसे बैठे थे, इस बात को आप सिर्फ साधना था। यस, सिर्फ साधना। बिल्कुल यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन भौतिक चीजों को और साधना को जी हमें थोड़ा सा अलग रखें, हमें बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा जी। सर, मैंने साधना से, आपने जो भी कहा, मेरी कमर में दर्द हुई, मैंने चक्र क्रिया की है। मैं बताती हूँ आपको सर, आपने कहा मेरी कमर में दर्द हुई। मेरे पास ऐसे ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई केस आता है कि मेरी हेल्थ खराब होती नजर आ रही है, आपने बोला भी था। तो मैं साधना द्वारा उसको, मैं 1 घंटे बाद पूछती हूँ कि अभी आप कैसे हो, तो वो साधना काम कर रही है। वो मैंने उसके, ये सारी चीज जो है, ये सब भक्ति और आपकी जो आपने किस फीलिंग से काम किया, सबसे बड़ी बात है कि आपकी फीलिंग क्या है। मैंने उस चीज को समझ कर दिया। सर, लेट मी कंप्लीट, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। आपने 2 चीजें बोली कि आजकल लोग बेवकूफ बना रहे हैं, 5 fingers आर नॉट इक्वल, बहुत से बना रहे हैं। सर एक सेकंड, मैं आपका नाम नहीं ले रहा भैया, मैं इस चीज को क्लैरिफाई करूं। देखिए, पब्लिक इस चीज को समझे कि हम भी 100 डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई एक मिलता है कि इसने मेरी बीमारी पकड़ ली और इसके इलाज से मैं ठीक हो गया। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, साधना है, ये जो, ये भी हर इंसान के पास है नहीं। जो ज्ञान आपके पास है सर, वो आपको सारे एस्ट्रोलॉजर इस लेवल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो मैंने 23 साल साधना करी है, मैं आज भी करती हूँ, मैं आज भी एक ईश्वर की शरणागत हूँ, हमेशा उसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे पास जो आया है ना, वो आपके दरबार में आया है और इसको आपने इसके कार्य से उसी सोच के लिए आप चल रही हैं। अच्छा जी जी, तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे नहीं, जो नहीं, ये अभी जो मुकेश जी ने जैसे कहा था कि भ्रांतियों से अलग रहे जी, तो एक जो जनरल सबके लिए बातचीत हो जाती है जी, और ऐसे 99% ऐसे लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसमें तो हमारा सिर्फ ध्येय ये है कि भाई देख करके जी, परख करके यस, तब जाइए। अंधविश्वास से आप इन उपाय को फॉलो ना करें जी। उसके लिए धैर्य क्या है? अब जैसे एक बड़े महात्मा थे, बोलते थे ये समय भी नहीं रहेगा। समय चेंज होता है जी, बिल्कुल। कितनी देर में चेंज होगा, ठीक है ना? हम इसके लिए धैर्य रखें, पोंगा पंडित से बचें। मेरा कहने का एम ये था जी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जी।
मैं आपके साथ सहमत हूँ कि पोंगा पंडित से बचिए, और जो हम यूट्यूब पे रोज इतने नेगेटिव चीजों को समझ रहे हैं, आप ये देखो टीवी पे रोज आधा आधे घंटे के वो सबका उपाय बताते रहते हैं सुबह बैठ करके, वो गलत विच इज वेरी रिडिकुलस। एस्ट्रो जो जो चीज चल रहा है ये चल रहा है, आज तक पे वो चैनल चल रही है, यस। अरे यार ये कोई बातें हैं जी, इनसे बचो जी। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि हमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश करनी चाहिए जो हमें राइट डायरेक्शन दे। और मैं बिल्कुल नहीं मान सकती इस बात को कि पूजा पाठ साधना से मेरे को तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, जो मेरा अपना जिंदगी मंत्र सिद्धि, हाँ जी मंत्र सिद्धि साधना जी, उससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज नहीं है जी। ये मेरा मत है। मैं इसमें एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी सर, 10 महाविद्या आपने भी सुना होगा, और मैं उसमें बहुत बिलीव करती हूँ। अगर कष्ट आया है, शत्रुओं से परेशान है, तो बगलामुखी सहायक करती हैं, और बगलामुखी जी ऐसी देवी हैं कि अगर आपके शत्रु, आप मेरे पास पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उनकी ऐसी चीजें अक्सर होती रहती कि शत्रु बन जाते हैं। तो हम बगलामुखी की साधना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम शत्रुओं को शांत कर सके। हम लक्ष्मी जी की साधना क्यों करते हैं? कि हमें धन की प्राप्ति हो। तो हर कार्य के लिए हमें, हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में हमें ये चीज़ें दी गई हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने एक अपने लास्ट इवेंट में बोला था कि हर घर में एक ग्रंथ पढ़ने का अगर हम सब लोग संकल्प ले लें कि हमारे परिवार का एक मेंबर साल में एक ग्रंथ पढ़े, तो आधी तो प्लैनेटरी पोजिशन, आधे हमारे घर की समस्या उससे ठीक हो जाती है। लेकिन कितने लोग हैं जो इसको करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिससे बात करो हमें समय नहीं है। लेकिन वही शख्स जब प्रॉब्लम में आता है, बिजनेस लॉस होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यू आते हैं, फिर वो सब कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसका इलाज अगर हमारे पास पहले ही है कि हम इस काम को करें। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हम लोग अगर रामायण पे, भगवान राम का जन्म होता है नवमी के दिन, तो अगर हम एक रामायण का पाठ अपने घर में साथ में रख लें और सहज करें, ये नहीं कि मैंने कर लिया और बाकी सब छोड़ दें। मैं कहती हूँ बाकी सबको भी प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप कर रहे हैं और आपके घर वाले आपको फॉलो कर रहे हैं। आप 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 2 बार 3 बार आपने किया, आपके बच्चे भी उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, और वो कनेक्टिविटी विद द डिवाइन पावर। आप जितनी बार ही रामायण पढ़ोगे, जितनी बार गीता पढ़ोगे, जितनी बार शिव महापुराण पढ़ोगे, आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नई लर्निंग्स मिलेंगी। जब हम वो पढ़ते हैं तो हमारा मन टिकना शुरू हो जाता है, हमारी कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिवाइन पावर दोनों मिलके हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ग्रंथों में दिया गया है। पेशेंस जरूर होनी चाहिए कि हम कोई अगर कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आज मैंने ये ग्रंथ पढ़ा, कल सुबह मेरा काम हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपकी कनेक्टिविटी इतनी डीप हो गई है, तो प्रभु आपकी बात को हमेशा सुनते हैं, और वो कहते हैं कि तुम 1 कदम मेरे पास आओ, मैं 10 कदम लेने आऊँगा। दिस इज माई बिलीफ, जो मैंने प्रैक्टिकली किया है, या जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताती हूँ साधना कैसे करो, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है कैसे पढ़ो, उसका पूर्ण फल कैसे लेना है। एंड स्लोली उनका रिश्ता ऐसा बन जाता है कि उनकी लाइफ में सक्सेस भी आनी शुरू हो जाती है। प्लैनेटरी पोजिशन अगर खराब है, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जिसकी शरण में है वो सब हमारे को देख रहे हैं कि हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छे कर्म करना, पूजा पाठ करना, डिवाइन पावर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो प्रीति जी, आपकी सारी बात सुन के और गोयल साहब की भी बात को समझ के हम निष्कर्षतः इस बात पर आते हैं कि हमारे कर्म तो अच्छे रहने ही चाहिए जी। उसके साथ साथ अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं जी, तो उससे हम अपने मुकद्दर को, अपनी किस्मत को ठीक रास्ते पर भी ला सकते हैं जी। बिल्कुल, नियति में जो कुछ लिखा है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन हम अपनी इस नियति को, मुकद्दर को ठीक रास्ते पे ला सकते हैं अगर हम अकॉर्डिंगली विधिवत ढंग से पूजा पाठ करते हैं जी। तो गोयल साहब, मैं समझता हूँ आज का जो हमारा विषय था कि हम जो ज्योतिष के संसार में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हैं,
उसके बारे में जो जो सूत्र आप दोनों से मिले हैं हमारे श्रोतागण उससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और आगे जो भी अगर ये बात जानना चाहते हैं हमारा इनको सीधा खुला निमंत्रण है कि वो अपने प्रश्न भेजें और हम आप दोनों से उनको कंसल्ट करके उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।